तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है फेरो आइसलैंड। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है फेरो आइसलैंड। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सबको जगह करके जानते लेकिन उससे पहले इस देश का जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या पेपर होते हैं, सबको जगह करके हम देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल में देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश नाटो का मेंबर है या नहीं, और ये देश के अंदर कुल कितने आइसलैंड मौजूद है और कितने इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद है, और दुनिया के अंदर जो है पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ये देश कितने नंबर पे आ रहा है, और ये देश डेनमार्क के साथ रिश्ता कितनी गहरा है, और डेनमार्क का हिस्सा बनने से पहले ये देश जो है कौन सी देश का हिस्सा था। हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेलकन सेट ऑल सेलेक्ट करना, कुछ भी करना कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश जिसका नाम जो है फेरो आइसलैंड, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 1.399 वर्ग किलोमीटर ये देश के टोटल आयतन या एरिया, जो नॉर्वेजियन सागर और नॉर्थ अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है एक जगह, जो डेनमार्क की जो है एक प्रशासनिक हिस्सा है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे आइसलैंड और नॉर्वे की बिल्कुल बीचों बीच स्थित है आपको नजर में आ जाएंगे फेरो आइसलैंड। हाँ दोस्तों, फेरो आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है डेनमार्क का एक प्रशासनिक हिस्सा है, और इसका जो है राजधानी जो है टोर्सहावन। हाँ दोस्तों, टोर्सहावन इसका जो राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो फेरो और डेनियो इस जगह की जो है भाषा है, और धर्म की बात करें तो ये जो है क्रिश्चियन समय एक देश है। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इसका जो राजधानी टोर्सहावन। हाँ दोस्तों, टोर्सहावन इसका जो राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों पानी की बात करें तो 0.5% यहाँ पर जो है पानी है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इसका राजधानी टोर्सहावन, इसका जो है राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों राजा की बात करें तो मार्गरेट टू। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राजा है वो मार्गरेट टू है, और हाई कमिश्नर इसका जो है नाम लिन मॉल जोहानसेन, और इसका जो प्राइम मिनिस्टर इस देश का उसका नाम जो है अलेक्सल भी जोहानसन। हाँ दोस्तों, अलेक्सल भी जोहानसन। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, फेरो आइसलैंड की जो है पोर्ट सिटी वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और पैसे की बात करें तो DKK इस जगह की जो है पैसा, जो डेनमार्क की ये पैसा है। तो दोस्तों किल एग्रीमेंट हुआ है 14 जनवरी 1814 में, जो डेनमार्क के साथ तब मिला है, लेकिन उससे पहले जो है ये नॉर्वे का हिस्सा था। हाँ दोस्तों, नॉर्वे का हिस्सा था 1035 में, ये जो है नॉर्वे का हिस्सा था। होम रूल स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 1948 में, और यहाँ पर जो है फर्दर ऑटोनॉमी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 29 जुलाई 2005 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो सुरक्षा, पुलिस, विचार या कह सकते हो पैसा या फॉरेन रिलेशन, सब कुछ जो है डेनमार्क देखता है। तो दोस्तों हाँ, डेनमार्क की जो राजदूत इंडिया में मौजूद है, और इंडिया से नेतृत्व करता है डेनमार्क को, और इंडिया के जो राजदूत डेनमार्क में मौजूद है ये जो है फेरो आइसलैंड के नेतृत्व करता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक स्टेडियम दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो फेरो आइसलैंड की राजधानी टोर्सहावन में मौजूद है वो स्टेडियम। तो दोस्तों हाँ, ये जगह जो है एक चुक्ति के अनुसार जो है ये नॉर्वे से जो है डेनमार्क के पास आया है, लेकिन इस जगह की भी जो है कुछ ऐसा नीतियाँ हैं जिसकी वजह से इसका जो है एक अकेला कह सकते हो क्रिकेट दल मौजूद है, एक कह सकते हो यहाँ पर खेल की जगत से कह सकते हो यहाँ पर जो है एक खुद से भी जो है ये अपना खेल को प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए जो है बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारा गेम में जो है ये देश भाग लेता है। इसके अलावा बहुत सारा रिलेशन भी रखता है बहुत सारा देशों के साथ। यहाँ पर देख लीजिए, और एक आबादी मैं आपको दिखा रही हूँ जो ये देश के अंदर स्थित है। सबसे अच्छा रिश्ता है डेनमार्क और ग्रीनलैंड से। हाँ दोस्तों, और ये देश जो है नाटो का भी मेंबर है, और लेकिन ये देश यूरोपीय यूनियन का जो है स्ट्रॉन्ग पार्टनर नहीं है। और ये देश के अंदर जो है कुल अगर हम आइसलैंड की संख्या बताएं तो दोस्तों 779 आइसलैंड है इस देश के अंदर कुल द्वीपों की संख्या। उत्तर यूरोप की जो है एक जगह पर स्थित है ये जगह, जगह का नाम जो है फेरो आइसलैंड, और रोना से जो इसका दूरी है 260 किलोमीटर दूर, और फौरा से जो इसका दूरी है 285 किलोमीटर दूर, और स्टॉकलैंड से जो इसका दूरी है 320 किलोमीटर दूर, और आइसलैंड से जो इसका दूरी है 450 किलोमीटर दूर, और नॉर्वे से इसका दूरी है 500
90 किलोमीटर दूर और आयरलैंड से जो इसका दूरी है 670 किलोमीटर दूर और डेनमार्क से जो इसका दूरी है 990 किलोमीटर दूर सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर इंडिया जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर 10 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर डेनमार्क जो है राजदूत इंडिया में मौजूद है, इस देश को भी तो यहाँ पर नेतृत्व करता है। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा द्वीप आपको नज़र में आ जाएंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। और इंडिया से जो जो सामान इस देश में जाता है वो जो प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मेडिकल पार्ट्स, इसके अलावा मशीनरी, स्टोन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और भी कुछ। और इस जगह से जो जो इंडिया आता है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीनरी, रबार। बहुत सारा इंडियन जो है यहाँ पर बर्फ़ की जो है यहाँ पर लुप्त उठाने यहाँ पर आता है। बहुत सारा देशों से जो है बहुत सारा टूरिज्म यहाँ पर आता है। और ये देश जो है इलेक्शन नहीं स्वीकार किया है बेलारूस की। तो दोस्तों इस जगह की पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं और यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चलेगा इस जगह की जो नेशनल एंथम जो यहाँ पर फैरो और यहाँ पर इंग्लिश भाषा में लिख दिया हूँ, ऑफिशियल नेम आपको नजर में आ जाएंगे फैरो और डेनियो भाषा में। और कैपिटल यहाँ पर देख लीजिए टोर्सहावन। इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज देख लीजिए फैरो और डेनियो। इसके अलावा यहाँ पर रिलीजन देख लीजिए क्रिश्चियन इस जगह की जो है धर्म है। इसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस जगह की जो राजा, हाई कमिश्नर और प्राइम मिनिस्टर आपको नजर में आ जाएंगे। पानी की बात करें तो 0.5% टोटल जीडीपी की बात करें तो 3.126 बिलियन इस जगह की जो है टोटल जीडीपी है। इसके अलावा यहाँ पर करेंसी आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा आपको नजर में आ जाएंगे जो DKK आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा कॉलिंग कोड देख लीजिए +298 इस जगह की कॉलिंग कोड। इसके अलावा पॉपुलेशन देख लीजिए 55,000 इस देश की जो है पॉपुलेशन और इंडियन जो रहता है 100 से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा इंडियन यहाँ पर घूमने जाता है। तो दोस्तों ये जगह जो है दुनिया के अंदर कौन सी जगह पर स्थित है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा असल में जो है फैरो आइलैंड कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे आपको ये जगह जो है नॉर्थ अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस जगह के अंदर स्थित है बहुत ही सुंदर सुंदर जगह, वो मैं आपको दिखा रही हूँ आप जब ध्यान से देखें आपको पास देखा। हाँ दोस्तों बहुत सारा टूरिज्म जो है यहाँ पर घूमने आते हैं क्योंकि ये जगह जो है देखने लायक है। यहाँ पर बर्फ जो है ज़्यादा गिरता है और यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे बहुत सुंदर सुंदर जगह। और यहाँ पर ऑफिशियल हाउस भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, चर्च भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आप जब ध्यान से देखें आपको पास देखा। तो दोस्तों फैरो आइलैंड की जो राजधानी है टोर्सहावन, लेकिन इसका जो है जो प्रतीक चिन्ह है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आप जब ध्यान से देखें आपको पास लेगा नजर में आ रहा है जो टोर्सहावन की जो प्रतीक चिन्ह है इस जगह की जो है पैसा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आप जब ध्यान से देखें आपको पास लेगा देखा। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पास लेगा, मैं एक एक करके हर एक हिस्सा में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आपको नजर में आ जाएंगे ये जो है फैरो आइलैंड की जो है कुछ शानदार इमेजेस। हाँ दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताया था इस जगह की जो राजा जो डेनमार्क की राजा मार्गरेट टू उसका भी इमेज आपको नजर में आ जाएंगे आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आपको नजर में आ जाएंगे यहाँ पर जो है बहुत सारा यहाँ पर घनी आबादी आपको नजर में आ जाएंगे आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस जगह की जो है सरकारी पद में रहने वाला है उसका इमेज मैं आपको दिखाऊंगा और इस जगह की जो राजा मार्गरेट टू उसका भी आपको नजर में आ जाएंगे इमेज और प्राइम मिनिस्टर का इमेज आपको नजर में आ रहा है। तो दोस्तों इस जगह की जो पॉपुलर सिंगर उसका भी इमेज आपको नजर में आ रहा है और इस जगह की जो है पॉपुलर टेनिस प्लेयर उसका भी इमेज आपको नजर में आ रहा है। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा एक एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये देख लीजिए इस जगह की हर एक लोकेशन में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा देखा। हाँ दोस्तों तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोप महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन जगह जगह का नाम जो है फैरो आइलैंड के संबंध सब कुछ और भी देश के संपर्क की तरह आपको जानना है। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो भी करना चाहिए आपको ऑल भी करना, कुछ भी कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।